करवाइए, वो तीन पिलर बाकी बनाने का गोल्डन टाइम है, क्योंकि ट्वेल्थ तक भी हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसी है कि शायद हम नहीं कर पाएंगे, सच में नहीं कर पाएंगे। मैं भी मानती हूँ, मैंने भी नहीं करवाया था, क्योंकि है ही नहीं हमारे में, हमें तो एंट्रेंस एग्जाम कितनी भागम भागी, कितनी एग्जाम्स देनी होती, क्या क्या करना होता। बट ट्वेल्थ के बाद का ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि नाउ बिकॉज ये हमारी एजुकेशन सिस्टम है अभी, है ना, यहाँ से एलिमेंट्री एजुकेशन से शुरू होता है, जनरल सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, यूनिवर्सिटी, मास्टर एंड डॉक्टरेट, और उसमें आगे है सपोज को आईटीआई कर सकता है सीनियर सेकेंडरी। दिस इज अवर एजुकेशन सिस्टम राइट नाउ। अब ये एजुकेशन सिस्टम अभी जब तक बदलेगी नहीं, जो प्रिफर्ड चार्ट है इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी, उससे पहले अभी हम इसके ही अंदर है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तब मेरी ये दिल ऐसी गुजारिश है, क्योंकि मैं यहाँ पे मेरा भी शेयर करूंगी, कि हमने जो जो भी सीखा ना कॉलेज के तीन साल में सीखा, यानी कि 10+2+3+2 का एजुकेशन, 17 इयर्स का एजुकेशन एक तरफ कर दीजिए, और 17 मंथ्स में सर्टिफिकेशंस या ऐसे 17 मंथ्स के पैरेलल कॉलेज के साथ ऐसे कोई भी स्किल्स अडॉप्ट करवाइए, 17 मंथ्स का एजुकेशन लाइफ टाइम काम में आएगा, 17 इयर्स का आपको सपोर्ट में प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। मैं नहीं कह रही हूँ वो काम में नहीं आएगा, आप समझ रहे हैं मैं क्या नहीं। सो ऐसे ये खास आप यूज करवाइए, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत बच्चे देखे सीए हो जाते बट ड्राफ्ट निकालना नहीं आता, बैंक में कैसे जाके पैसे भरने नहीं आते, है ना, एनईएफटी क्या है उसका पता नहीं चलता, चाहे वो कितने भी वो कॉमर्स के स्टूडेंट हो गए या सिविल इंजीनियर हो गए, तो सिविल का उनको सारा बुकिश नॉलेज होगा, रियलिस्टिक में जाके देखो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकल नॉलेज में डालिए, चाहे कुछ भी करके डालिए लेकिन उसको प्रैक्टिकल नॉलेज करवाइए, चाहे कंप्यूटर के कोर्स या लैंग्वेज का करवाइए, अपना बिजनेस है उसमें भी डाल दीजिए, उससे अच्छा तो कुछ भी नहीं है, 360 डिग्री तैयार हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस में सारे वर्टिकल्स होते हैं, सारे वर्टिकल्स में लगा दीजिए उसको, उसकी जो स्किल्स के उसके वो वर्जन में लगा दीजिए, बॉडी काइनेस्थेटिक है भगाने का काम दे दीजिए ऑफिस में, यानी यूटिलाइज, उससे जो सीखेगा वो 17 साल के पढ़ाई में नहीं सीखे, ये खास ध्यान रखिएगा। हम गलती क्या करते हैं, एक बार ग्रेजुएट हो जाने दो फिर देखते हैं, फिर कुछ करवाते हैं, एक बार मास्टर हो जाने दो फिर कुछ करवा देते। अभी का ये करंट मॉडल है, नेक्स्ट है जो प्रिफर्ड मॉडल जो ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो चुका है, NEQF करके, नेशनल एजुकेशन का क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क करके एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है गवर्नमेंट में, जो ऑलमोस्ट इम्प्लीमेंट हुआ है 2016 से, जहाँ पे आप देखेंगे अभी बेसिक एजुकेशन है, या तो वो ITI, ITC, वोकेशनल स्कूल्स, ये देखो नया कंसेप्ट है, आप सबने शायद सुना होगा आजकल वोकेशनल स्कूल्स खुलने शुरू हुए हैं, जो स्कूल फील्ड में है एजुकेशन में उनको पता होगा कि जो हम लोग 1 to 10th की पढ़ाई करते हैं ना, जैसे वो स्कूल कही जाती है प्राइमरी स्कूल, ऐसी वोकेशनल एजुकेशन स्कूल्स खुल रही है जिसमें 6 महीने के 12 महीने के कोर्स करवाते हैं अलग अलग सेक्टर के अंदर, ऑफिशियली परमिशन मिल रही है, ऑफिशियली वोकेशनल स्कूल खुल रहे हैं। फिर है एक नया कंसेप्ट कम्युनिटी कॉलेज का, जूनियर कॉलेज का, जो फॉरेन में होता है, यूके यूएस वगैरह में आप देखेंगे जूनियर कॉलेज एंड कम्युनिटी कॉलेज कंसेप्ट है, यानी कि 10th के बाद वो लोग 6 महीने से लेके 3 साल तक के लेवल होते हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के लेवल होते हैं हर सेक्टर में, जिसको जूनियर कॉलेज कहते हैं, है ना। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ऑफिशियली खुले हैं, इवन वोकेशनल यूनिवर्सिटी भी एस्टैब्लिश हुई है ना, गुजरात में भी गुजरात वोकेशनल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हुई है, जो काफी कम लोगों को पता है। सो ये वोकेशनल मीन्स छोटे छोटे कोर्स, 3 महीने से लेके 3 साल तक के कोर्स में आप कहीं से भी सीख सकते हैं, मल्टीपल एंट्री मल्टीपल, यानी कि एक सेमेस्टर करके छोड़ दिया तो भी यू आर सर्टिफाइड, 3 सेमेस्टर कर ऐसा पूरा करने कंप्लीट नहीं करना होता है तभी बीटेक कहे जाते, ऐसा नहीं होता है, दैट्स कॉल्ड मल्टीपल एंट्री, है ना। और इसमें भी देखिए आप कहीं से भी जा सकते हैं, ITI, ITC वोकेशनल करके भी आप सेकेंडरी एजुकेशन में जा सकते हैं, सेकेंडरी हायर सेकेंडरी का कॉमन मॉडल भी है, आप सेकेंडरी हायर सेकेंडरी सेकेंडरी एजुकेशन से भी सीधा कम्युनिटी कॉलेज में भी जा सकते हैं। इट इज अ वेरी ये अडॉप्ट किया है फॉरेन एजुकेशन सिस्टम के बेस, और ये होगा ना तो अपना जो 2% फिगर है वो बढ़ेगा, और वो जरूरी है ना, पॉपुलेशन तो है स्किल्ड पीपल नहीं है। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट 3 कंप्लीट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। वन इज आइडेंटिफाई योर चाइल्ड हिडन पोटेंशियल। आई हैव गिवन अ टूल
of multiple intelligency test that you can take at your home at your own time. First you validate yourself with appear your own answers and then do it for your children. Just make sure some caution, 7 years to adult anyone can do this course, but only life mein do bar karwa sakte test, ye dhyan rakhiyega for you or for your children also. So make sure. एंड उसमें जो रिजल्ट से बनाइए गए, यहाँ पे हमने एस्पेक्ट्स करियर ऑप्शंस के दिखाए थे, दैट इज़ अ फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकेंड इज अ बोर्ड, तो मैंने जैसे कहा कि लोकलाइट बेनिफिट इट्स ओनली द प्रिविलेज, है ना, तो वो एक है. बोर्ड नॉट सो इम्पॉर्टेंट नाउ दिस क्योंकि कॉमन हो रहे हैं सारे सब्जेक्ट. तो एंड थर्ड इज द फोर पिलर्स, जिसमें फर्स्ट पिलर्स यूनिवर्सिटी एंड बाकी के तीन पिलर्स में सॉफ्ट स्किल. लैंग्वेज आपको आगे करनी चाहिए, स्पेशली इंग्लिश डोंट इग्नोर, एंड आईटी का. ठीक है, सो दीज आर द थ्री एस्पेक्ट्स जनरली आई ट्राई टू कवर इट. एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, वी हैव टाइम ऑफ 20 मिनट्स 25 मिनट्स 20 मिनट्स टाइम वी हैव. कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते प्लीज. See, IB board syllabus actually new concept for me, but IB it means international boards. What I understood, I think you can give me better idea about IB. IB जब आपको बाहर जाना है या you know बाहर जाके set करना है after 12th higher education के लिए, तब IB board आपको वहाँ पे support करता है. पर फिर भी आपको GMAT, GRE और accordingly exams तो देनी ही होगी. TOEFL, हाँ, English, IELTS and technical. सिलेबस इंट्रोड्यूस करे है वो अलग है, बट मान के चलिए आई बी बोर्ड लेते हैं, उसके पीछे का रीजन क्या होता है आप मुझे बताइए. दैट्स व्हाट द रीजन की आई बी बोर्ड लेना है, बट समबडी जस्ट एंटर्ड इन टू इट बिकॉज इट इज समथिंग न्यू एंड हायर, तो उसका कोई मतलब नहीं. बट यस, इफ शी इज यूएस सिटीजन, फ्यूचर प्लान शी विल बी सेटल देयर ओनली, देन आई बी बोर्ड इज एब्सोल्युटली प्रेफरेबल बिकॉज वो ही स्ट्रक्चर में आगे जाए. हाँ, तो फिर उनको सिटीजन है दैट यू एंटर लेटर ऑन, बट इफ इट इज सिटीजन देन देर इज नो नीड. बट इफ शी इज नॉट सिटीजन, इफ शी इज इन आई बी बोर्ड, then one should appear the all examination needed kind of for the engineering GRE, GMAT and for the other even the language proficiency ke liye IELTS or the TOEFL is needed. So wo to rahega hi rahega, but if it is citizen then there is no issue. So IB board lene ke piche to bahut hi precise reason hote hai, tab jaise ki aapka bahut clear hai ki bhai IB board is very much advisable anyway, to usme koi gunjayish nahi hai. Yes. तो मतलब 7th से ही बाहर जाना ठीक है या फिर 12th के बाद कॉलेज वगैरह बाहर करनी चाहिए? उसको ऐसे मेंटली बैठ गया है कि यहाँ पे स्पोकन इंग्लिश करना बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और अगर उसको अच्छे से इंग्लिश करना है तो उसको साउथ ही जाना पड़ेगा. कितनी एज है बच्चे की अभी? 12 साल का. ये एज में ये सीखता सुपर बच्चे इतने से जिम्मेदार हो गए कि 12 साल मतलब की उम्र में. मैं उसको मना कर रही हूँ कि yes. तुझे वहाँ पे फूड अच्छा नहीं होगा, तुझे वहाँ नहीं सेटिस्फाइड होगा, ये है वो है. मैं उसको अपोजिटली मतलब ये कर रही हूँ, बट ही वॉन्ट्स टू गो कि नहीं मुझे अच्छा इंग्लिश करना है. ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, सो कोई इश्यू नहीं है. अभी एजुकेशन लेवल सूरत में भी बहुत अच्छे से इम्प्रूव हुआ है, और इसके लिए स्पेशल कोचिंग भी आप रखवा सकते हैं. इफ़ यू आस्क मी, आई डोंट आई से नो एज यू से नो. आप जैसे मना कर रहे हो, क्योंकि अप टू 12th आपको बच्चे को साथ में ही रखना चाहिए ताकि अपने मॉरल वैल्यूज जो है वो तभी अपन बच्चे में दे सकते हैं अगर वो अपने पास रहे. अगर वो मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उसको कैसे वो चीजें दूंगी? जो कोई सर्कमस्टेंसेस है, कहीं ऑप्शन ही नहीं है तो अलग चीज है, बट ऐसा कुछ नहीं है. सिर्फ यही रीजन है कि इंग्लिश, बस यही रीजन. वो कोई रीजन अपील नहीं करता है कि जाना चाहिए. यहाँ पे बहुत कुछ आजकल तो अवेलेबल है अच्छे, आपको थोड़ा ढूंढना पड़ता है एफर्ट्स करके. और देखो इंटरेस्ट है
मैं मेरी बात करूँ, मैंने गुजराती मीडियम में ग्रेजुएट किया क्योंकि मेरे पापा के पास पैसे नहीं थे कि मुझे 70 रुपीज़ का इंग्लिश मीडियम का कोचिंग करवाए, एजुकेशन स्कूल में डाले. दिस इज फैक्ट ऑफ माई लाइफ. बट जैसे इंग्लिश मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, मैं बहुत रोई थी उस वक्त इतनी छोटी, जैसे अपना बच्चा आपका, कि मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं डाला. बट जैसे जिसको इंटरेस्ट है ना वो कर ही लेता है. मैंने ऐसे ही पढ़ाई करके सीख लिया. यानी व्हाट आई वांट टू टेल यू टू योर चाइल्ड इज डल इन इंग्लिश. मतलब वो उसके स्कोर जैसे मैथ्स वगैरह में, साइंस वगैरह में बहुत अप रहते हैं, बट जैसे ही लेबल नहीं देंगे तो जैसे ही इंग्लिश आता है उसका स्कोर नीचे चला जाता है. तो वो बहुत डरता है अंदर से, बहुत डरता है. एटमोस्फेयर नहीं है इसलिए. एटमोस्फेयर नहीं है, आ जाता है. अभी तो बहुत टाइम है, बच्चे पढ़ाई करेंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करेंगे, अपने आप आ जाता है. ऐसा कुछ होता नहीं है. गुजराती मीडियम के बच्चे अच्छा कर लेते हैं बाद में कॉलेज में, तो इंग्लिश ही होता है ना सबका, तो भी अच्छा कर लेते हैं. तो आपका तो फिर भी शायद इंग्लिश मीडियम में या, या, या. कोई इश्यू नहीं होता है. और मेरा पर्सनली मानना है कि उसको थोड़े अच्छे से समझाइए, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं है. 12th तक तो मैं खुद नहीं मानती हूँ बिना, 12th के बाद रखना नहीं चाहिए. This is my personal opinion. Maybe सब parents के अलग अलग हो सकते हैं, but ये मेरा मानना है. Don't give the label कि वो अच्छा नहीं है English में. Thanks, thanks. Okay, thank you very much. Entrance exam most probability બધી English માં જ હોય છે. હવે હવે ગુજરાતી નું આવ્યું ને આ વખત, હવે થી નહીં, અમારે આજે જ પ્રિન્સિપલ સાથે વાત થઈ કે હવે પછીની જે એક્ઝામ લેવાના છે એમાં ગુજરાતી લેંગ્વેજ ઓપ્શન આપે છે. હા, તમે યુ ફાઇન્ડ આઉટ ધેટ જેડબલઈ વગેરે કહે ઉસમે ગુજરાતી ડાલને વાલે હવે કે ઓપ્શન્સ મળશે. હા હા, અભી જો આયેગા 12th કી એક્ઝામ માર્ચ મે નેક્સ્ટ યર. ગુજરાત બોર્ડ કે ગુજરાતી, વો તો હૈ હી પ્રોબ્લેમ તો આને વાલા. બટ માન કે ચલો ઉનકો એક્ઝામ અચ્છે સે ક્લિયર કરની હૈ તો આપકે પાસ અભી ઓપ્શન હૈ કે આપ ગુજરાતી મે કબ, અભી બચ્ચા કે કોન સે સ્ટ્રીમ મે હૈ, હા તો ઉનકે લિયે બેનિફિટ હૈ. अभी तक नहीं था, अभी पिछले बीच में जो पढ़े बच्चे एंट्रेंस एग्जाम्स में इंग्लिश ऑप्शन ही है तो बच्चे को प्रॉब्लम्स आती थी. बट अभी गुजराती पहला इंग्लिश ना साथे गुजराती क्वेश्चंस लखी ने आपसे એટલે પછી પેલા ઓપ્શન માં ગુજરાતી ની આપે પહેલા તો ટિક જ કરવાનું એ વન વર્ડ જ હોય. આઈ એમ ટોકિંગ જેડબલઈ કે નીટ ની એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ આપે એટલે આ પહેલાની પાછી સિસ્ટમ આખી વો પુરાની વાપસ લે આય ના, જો પહેલે 4 સેમેસ્ટર મે 11-12 કો ડિવાઇડ કિયા થા ઓર ટોટલ સમ એડિશન કરકે વો મેરિટ બના રહે થે, તો અબ વહી પુરાના સિસ્ટમ એડોપ્ટ કર રહે. ઓકે, એનીથિંગ એલ્સ? યસ, અબ બેટ. ગુજરાતી સ્કૂલ માં ગવર્નમેન્ટ સ્કૂલ માં ટીચર છું. હાં જી. અને અમને ગવર્નમેન્ટ ખૂબ સારી ટ્રેનિંગો આપે છે, સેમિનાર ને એવું બધું થતું હોય છે. તો અમને એવું સમજાવવામાં આવે છે કે માતૃભાષાને મહત્વ આપો, બાળક જે માતૃભાષામાં ભણે એવું બીજા મીડિયમમાં ન ભણી શકે, સમજી ન શકે વગેરે. મારો પોતાનું બાળક મેં ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં સીબીએસસી બોર્ડમાં જ મૂકેલું છે, પણ ખરેખર આ બધી વસ્તુ એ મેં જોઈ ત્યારે મને પોતાને કન્ફ્યુઝન છે કે એક બાજુ ઇંગ્લિશનું આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ છે, એક બાજુ આપણી ગવર્નમેન્ટ અમને એવું કહે છે કે ના ગુજરાતી માધ્યમ જ બરાબર છે, તો ખરેખર કરવું શું જોઈએ પેરેન્ટ્સે? એટલે આ સબ આ ક્વેશ્ચન્સ એટલે એટલો એવો છે કે યુ નો આનો આન્સર આપવા મારા માટે એટલું જ કહી શકું કે આમાં એવું છે કે ગુજરાત સરકાર અને આપણે ગુજરાતીઓ માતૃભાષા ઉપર વધારે ધ્યાન આપીએ છીએ, પણ જ્યારે 21મી સદીમાં તમારે વર્લ્ડ સાથે દીકરા દીકરીઓને કદમ મિલાવવાના હોય ત્યારે એને ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ એજ્યુકેશન આપવું જોઈએ. અને એ નથી આપ્યું એના કારણે અત્યારે ગુજરાતની જે હાલત છે એ કદાચ અહીંયા બેઠેલા કોઈ પેરેન્ટ્સને ખબર નહીં હોય. હું પોતે સ્કૂલ ચલાવું છું એટલે મને ખબર છે કે 1994માં ગુજરાત સ્ટેટનું એજ્યુકેશન લેવલ ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં 13 નંબર પર હતું. ત્યારબાદ 94 પછીથી ભાજપ સરકાર આવ્યા પછી આજે ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં 21મા નંબર પર પાછળ ધકેલાઈ ગયું છે. આટલું ખરાબ પરિસ્થિતિ થઈ છે અને એનું કારણ છે માત્ર ને માત્ર સરકાર અને જે કાંઈ બોર્ડની સિસ્ટમ છે તે. તમને બધાને ખબર નહીં હોય, ગુજરાતના આનંદીબેન પટેલ
શિક્ષક હતા ને રાષ્ટ્રપતિ એવોર્ડ મળેલો 94માં પહેલી વાર સરકારમાં આવ્યા ત્યારે એજ્યુકેશન મિનિસ્ટર હતા વર્ષો સુધી રહ્યા પછી પોતે મુખ્યમંત્રી બન્યા અને અત્યારે નથી પણ જે રીતે ગુજરાત સરકારે અને ગુજરાતના શિક્ષક માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડે ગુજરાતના એજ્યુકેશનની ઘોર ખોદી છે એની કોઈ સીમા નથી આ હાલત છે અત્યારે એટલે ઇંગ્લિશ મીડિયમમાં જ છોકરાઓને ભણાવવા જોઈએ એવું મારું માનવું છે માતૃભાષા તો આપણે ઘરે બોલતા જોઈએ છે આપણે પેલા જે ચાર પિલરની જે વાત કરી હૈ વો મહદ અંશે યાની ઇસલિયે સહી હૈ સર કે પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ સે ભી સહી હૈ લેકિન મેં યે કહેના કે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ મેં વગેરા મેં યાની કે આફ્ટર 12 તો એનીવે યુ ડોન્ટ હેવ એની ઓપ્શન ઇંગ્લિશ ઇઝ ઓનલી ધ ઓલ્ટરનેટિવ તો વાય નોટ કે બચ્ચે કો પહેલે સે થોડા કરે તો થોડા ઇઝી રહેતા હૈ અધરવાઇઝ ક્યા હોતા હૈ ગુજરાતી મીડિયમ મેં બચ્ચે ફિર જાકે તો બિચારે 6-8 મહિને તો એક એક શબ્દ કે સાથ ડિક્શનરી લેકે બેઠના પડતા હૈ આંખ મેં પાણી આ જાતા હૈ કે અબ કૈસે કરેંગે सो उनको पता होता है उनकी आत्मकथा कहते हैं ना ऑटोबायोग्राफी ऑफ द गुजराती बोर्ड स्टूडेंट्स विद द हायर सेकेंडरी तो इंग्लिश इस तरीके से मातृ सी मदर टंग सबको प्यारी होती क्यों नहीं हम मुझे तो गर्व से बोलने चाहिए हिंदी इंग्लिश वाई नॉट और आपने बोला कि गुजराती बोर्ड के आज सुबह ही हमारा डिस्कशन हुआ था जब सेमिनार होता है तो मैं 2-3 प्रिंसिपल से ऐसे ही पहले थोड़ी बात कर लेती हूँ मेरे जी 5-7 है उन्होंने कहा गुजराती मीडियम के बच्चे ज़्यादा जे एच अंबानी की जो हेमलता मैडम है गुजराती मीडियम के प्रिंसिपल उन्होंने कहा गुजराती मीडियम के बच्चे ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में होते हैं ज़्यादा परफॉर्म क्योंकि वो समझ पाते अपनी ही लैंग्वेज में पढ़ते हैं तो और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते लिख पाते वराछा के स्टूडेंट्स आप देखेंगे लास्ट 4-5 ईयर से सबसे ज्यादा स्कोर कर रहे बोर्ड में नंबर ला रहे इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट आप तो टीचर है तो आपको पता है तो इसके पीछे के साइकोलॉजिकल रीजन भी है क्योंकि अपने ही लैंग्वेज में तो अच्छे से समझेंगे लिखेंगे बट हमें सारे ओवरऑल बिग पिक्चर में पहलू में जाके देखें तो जैसे सर ने बताया कि भाई एंट्रेंस में आफ्टर 12 तो एनीवे आपको इंग्लिश कल्चर में जाना है कॉमन लैंग्वेज हो जाती है क्योंकि नेशनल लेवल पे या तो हिंदी या इंग्लिश तो इंग्लिश इज द कॉमन लैंग्वेज हो जाती है तो हमें कैसे भी करके उसके साथ जुड़ना है तो व्हाई नॉट कि उसको स्टार्टिंग से करें जैसे आपने ऑलरेडी बच्चे को सीबीएसई में करवाई है तो नथिंग रॉन्ग लेकिन कभी कभी क्या डर लगता है कि हम सही